सजल क्या कर रही हो यहाँ इस वक्त? अबू अब मैं पानी पीने के लिए बाहर आई थी। पानी? बेटा कमरे में पानी रख के सोया करो, इस वक्त यहाँ मुनासिब नहीं है। बेटा तुम्हें देखकर तो मेरा दिल ही दहल गया। आप क्यों जाग रहे हैं? बेटा मैं तो इसी वक्त उठता हूँ तहज्जुद के लिए। ओह अच्छा, अब कहाँ पढ़ेंगे नमाज आप? क्या मतलब भाई, अपने कमरे में पढ़ूंगा ये कैसा सवाल है? अब वो मैं इसलिए पूछ रही थी क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा मच्छर है ना, तो अंदर कमरे में नमाज पढ़ना सेफ है। आप नमाज पढ़ लिए, मैं सो जाती हूँ जाके। अच्छा वो इरा कहाँ है? जी मैं समझी नहीं। अरे बेटा वो तुम्हारे कमरे में सो रही है या अपने कमरे में? खैर अगर तुम्हारे कमरे में सो रही है ना तो बेटा जरा दरवाजा आराम से बंद करना, उसकी नींद खराब ना होने पाए। इसकी तो आप बिल्कुल फिक्र ना करें, इरा की नींद बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होगी, किसी की नींद भी डिस्टर्ब नहीं होगी। ठीक है आप जाएं। अच्छा बेटा सजल अब तुम जाग ही रही हो तो ये कपड़े बदल के ना नमाज जरूर पढ़ ले। जी अबू। अब जाऊं? दिल तो नहीं चाह रहा कि तुम जाओ, लेकिन क्या करूं, दुनियावी तकाजे भी होते हैं। जाइए फिर जालिम महबूबा। अब आप भी जाइए, दो दिन बाद बारात लेके आइएगा धूमधाम से और रुखसत करके ले जाइएगा। वो तो ऐसे आऊंगा कि सब देखते रह जाएंगे। हर लड़की रश करेगी तुम्हारी किस्मत पे कि काश वो तुम्हारी जगह होती, लेकिन हर लड़की को मैं नहीं मिल सकता क्योंकि मैं तुम्हारी किस्मत में लिख दिया गया हूँ। सजल को कॉल करके बता दो तुम आगे। बहुत सारी मिस कॉल आई, कोई मसला तो नहीं हो गया? कहीं चाचा जान को कुछ पता तो नहीं चल गया, या फिर चाची जान को? अगर ऐसा है तो रुक जाता हूँ, उन्होंने ज्यादा गुस्सा किया तो अपने साथ ले जाऊंगा तुम्हें। अब आप जाएं, मैं भी जा रही हूँ।